नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आस्था एड ड्रॉप्स के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहा है तो लोगों में सर्दी जुकाम कफ कोल्ड की समस्या देखने मिल रही है, जहाँ आस्था एड ड्रॉप का बहुत ही अच्छा रोल है। अगर हम आस्था एड ड्रॉप की बात करें तो ये बक्सन होम्योपैथिक कंपनी की मेडिसिन है। अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें तो ये किन किन कंडीशन में यूज की जाती है, तो ये अस्थमा के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में, एक्यूट राइनाइटिस के केस में, कफ कोल्ड की समस्या में, चेस्ट टाइटनेस की समस्या में, एक्यूट निमोनिया के केस में आस्था एयर ड्रॉप का बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। अगर हम इसमें मेडिसिन कौन कौन सी मेडिसिन इसके कंटेन है, तो इसमें मिली हुई है ब्लैटा ओरिएंटलिस। ब्लैटा ओरिएंटलिस की अगर बात करें तो इन केस ऑफ अस्थमा इसका बहुत ही अच्छा रोल है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ब्लैटा ओरिएंटलिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है जस्टिसिया। अगर हम जस्टिसिया की बात करें तो ये एक्यूट कंथाइल कंडीशन में जस्टिसिया का बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। यदि आपको खांसी के साथ साथ बलगम देखने मिल रहा है तो जस्टिसिया वहां पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। अगर हम अगली मेडिसिन की बात करें तो सिनेगा। अगर सिनेगा मेडिसिन की बात करें तो ये मेडिसिन भी खांसी के साथ साथ यदि बलगम देखने मिलता है और साथ में सांस लेने में दिक्कत होती है तो वहां सिनेगा मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रोल है। नेक्स्ट मेडिसिन है लवायला इंसर्टा। लवायला इंसर्टा इन केस ऑफ अस्थमा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें इपिकॉक। अगर इपिकॉक की बात करें तो ये बच्चों में इसका बहुत ही अच्छा रोल है इन केस ऑफ एक्यूट निमोनिया, इन केस ऑफ कफ कोल्ड की कंडीशन में, इन केस ऑफ यदि आपको खांसी आ रही हो, खांसी आते आते वॉमिटिंग हो जाती है, तो एपिकॉक का वहां पे बहुत ही अच्छा रोल है। नेक्स्ट मेडिसिन है मैकफॉस। अगर हम मैकफॉस की बात करें तो चेस्ट टायर्डनेस, चेस्ट में एकदम जकड़न महसूस होती है, तो वहां मैकफॉस का बहुत ही अच्छा रोल है। इन केस ऑफ अस्थमा भी मैकफॉस को यूज किया जाता है। यही सारी मेडिसिन इन इस आस्था एड ड्रॉप्स में मिली हुई है। अगर तो अब चलो हम देखेंगे कि ये मेडिसिन को लेनी लेना कैसे है। तो 20 ड्रॉप सुबह और 20 ड्रॉप शाम एक कप गुनगुने पानी में लेना है खाना खाने से 15 मिनट पहले। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को 10 बूंद एक कप गुनगुने पानी में सुबह, दोपहर और शाम को। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।